गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो हमने अभी जो थोड़े पहले गेम सीखी थी दैट वॉज यू टर्न। सो अभी जो हम गेम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है शेप अ थॉन। सो ये गेम बहुत ही ईजी गेम है। जैसे कि आपने हम अपने पेग्स को स्टार्ट पे रखते हैं और हमारा जो एम होता है एज इट द गेम सेज शेप अ थॉन। तो हमारा जैसे ट्रायंगल है उसका साइज साइड में 3 होती है, तो 3 साइड से मिलके बनता है, तो उसको उसमें 3 साइड्स होती है। वैसे ही रेक्टेंगल, ट्रायंगल के बाद आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, तो 3 के बाद यहाँ 4 है, 4 के बाद यहाँ 3 है। इट रिप्रेजेंट शेप कौन सी रिप्रेजेंट हो रही है, दैट इज मीन दैट इज हाउ इट दिस गेम नेम है शेप अ थॉन। तो बेसिकली आपको एक डाइस लेनी है और डाइस से आपको नंबर रोल करना है, और नंबर रोल करते ही जैसे अगर सपोज करिए आपने नंबर रोल किया, आपने आया 4, तो आपका पहला नंबर 3 है, तो आपका पहला नंबर 3 आना चाहिए रादर देन 4, तभी आप इस गेम को चल सकते हैं। तो सबसे पहले 3 आना जरूरी है, देन 4 आना जरूरी है, देन 3, देन 6। इस तरीके से आपके एक कंप्लीट सीक्वेंस में नंबर आने चाहिए, तब आप इस गेम को जीतेंगे। तो हमारा जैसे अब आप कहेंगे कि वो तो किसी का होता ही नहीं है नंबर, और अगर सर्कल है तो उसका नंबर क्या होगा। तो सर्कल का नंबर हमने 1 रख दिया है, और जो हमारा 2 नंबर है वो डाइस में अगर हम रोल करके आता है तो वो हम कहीं पे भी नहीं चलते। तो बेसिकली जो स्टार्ट से फिनिश पे, फिनिश मीन्स हेक्सागनल साइड पे सबसे पहले पहुंच जाता है वो जीत जाता है। तो इसमें एक और चीज़ है कि सबसे पहले कौन चलता है, जिसका भी डाइस पे रोल करके सबसे ज़्यादा नंबर आता है वो इस गेम में सबसे पहले चलता है। तो दिस इज़ द रूल। एंड कौन इस गेम को विन करता है, विन करने के लिए चाहिए आपको जो इस गेम में सबसे पहले फिनिश में लास्ट में पहुंच जाए सीक्वेंशियली। सो दिस इज़ द रूल के रूल ऑफ द गेम्स गेम ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम। थैंक यू एंड बाय बाय।